हे गाइस, वेलकम बैक टू टेका नेल। एंड भाई, आज जो है वीडियो कुछ अलग होने वाला है। भाई आज मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मैं उस गुस्से को मतलब संभाल नहीं पा रहा हूँ। भाई मैं कितना दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि रेडमी नोट 7 प्रो को बाय करूँ, बट चूतिया एम आई स्टोर बोलो या तो फिर फ्लिपकार्ट बोलो, वहाँ पर जो है मतलब मोबाइल आने के साथ, मतलब यार बताऊंगा कैसे मैं आपको यार, मोबाइल जैसे स्टॉक पे आता है 2 या 3 सेकंड के अंदर मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक। भाई सोचो, अगर इस तरीके से हम ट्राई करते रहे, मतलब मोबाइल लॉन्च हुआ आज करीब 1 महीने से तो ज़्यादा हो गया है, मैं कम से कम यहाँ पर 2 महीने पकड़ लेता हूँ, 2 महीने तक यहाँ पर फ्लैश सेल चल रहा है और पर फ्लैश सेल पे यहाँ पर स्टॉक भी उतना जो है खास नहीं डाला जाता है। मतलब ऐसे ही फ्लैश सेल बोल के 10-20 स्टॉक डाल देता है, उसके बाद फ्लैश सेल बोल के चला देता है और लोगों में से हाइप क्रिएट करता है। और भाई स्टॉक अगर नहीं देना है तो फ्लैश सेल क्यों कर रहे हो आप लोग? अगर आपको फ्लैश सेल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक दो ना, ताकि फ्लैश सेल ज़्यादा देर तक चले। अगर कोई फ्लैश सेल 2 या 3 सेकंड चलेगा तो आपको क्या लगेगा भाई स्टॉक नहीं है? और भाई इतना ज़्यादा अगर डिमांड आ रहा है तो आप मतलब महीने में 2-3 फ्लैश सेल करो, बट वहाँ पर जो स्टॉक होना चाहिए ना, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि यूज़र वहाँ पर जो है मतलब जो फ्लैश सेल है वो ये कम से कम 2 या 3 मिनट आराम से चल जाए। जैसे कि रियलमी का आप देख लो, रियलमी का जो फ्लैश सेल है वो कम से कम 3-4 मिनट या तो फिर कभी कभी 8 मिनट भी रियलमी का फ्लैश सेल चलता है, बट आपका फ्लैश सेल का करने का मतलब सिस्टम ही कुछ ऐसा है 2 सेकंड के अंदर अंदर मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक और उनमें से आपका मोबाइल का हाइप बढ़ता है। इस तरीके से आप लोग कर रहे हो यार, मतलब एमआई का अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, मैं ऐसा करता हूँ नहीं देख रहा होंगे, अगर देख रहे हैं तो भाई हम भी मोबाइल लेने के लिए, आपका मोबाइल लेने के लिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, बट आप हमें अगर स्टॉक नहीं मिल रहा है तो हम तो भाई गुस्सा होंगे ही, क्योंकि पर फ्लैश सेल पर अगर 1 महीने के बाद भी फ्लैश सेल चलता है और ओपन सेल नहीं होता है, उसके बाद भी अगर हमें मोबाइल नहीं मिल पाता है तो अंदर का जो गुस्सा होता है ना, वो हम आपको बता नहीं सकते यार। मतलब 1 महीने से ज़्यादा हम वेट कर रहे हैं कि कभी हम जो है फ्लैश सेल पे बाय कर पाएंगे या तो फिर कभी जो है ओपन स्टॉक आएगा तो हम वहाँ पर बाय कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टॉक आता है तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक। भाई आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा मैं जानता हूँ, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि एमआई का लोग जान सके, एमआई का जो कस्टमर है वो मतलब कितना मोबाइल लेने के लिए यहाँ पर जो है मेहनत कर रहा है, पर सेल पे जा रहा है, मोबाइल ओपन कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, बट उन लोगों को मोबाइल नहीं मिल रहा है। भाई मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना आपका हक है, क्योंकि आप अगर इस मोबाइल को बाय करने के लिए चाहते हैं और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, तो अगर रेडमी के पास ये जो वीडियो है वो पहुँचता है तो वो लोग समझ जाएंगे कि हम आपके मोबाइल लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप अगर हमें मोबाइल नहीं दे रहे हो, मतलब मोबाइल दे रहे हो तो दे रहे हो कितना, मतलब एक सेल पे कम से कम 2 मिनट तो फ्लैश सेल या तो फिर पकड़ लो 1 मिनट तो होना चाहिए। मैं यहाँ पर जब भी फ्लैश सेल पे बाय करने गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है 2 या 3-4 सेकंड के अंदर अंदर मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक। कभी कभी मेरा कार पे ऐड हो जाता है, उसके बाद जैसे मैं पेमेंट करने जाता हूँ दिखाता है आउट ऑफ स्टॉक। भाई ऐसा अगर चलता रहेगा तो हम मोबाइल को बाय कैसे कर पाएंगे? अगर मैं बताऊं तो एक तरफ रियलमी है, रियलमी भी रेडमी को कड़ा टक्कर दे रहा है और उसका मोबाइल भी बहुत अच्छा है, और उसका फ्लैश सेल का उतना लोचा नहीं है कि फ्लैश सेल पे जाओ आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। उसका फ्लैश सेल पे अगर मैं जाता हूँ तो मोबाइल मुझे इजीली मिल जाता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो रियलमी का फ्लैश सेल पे मोबाइल लेना जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और रेडमी वालों क्या करते हैं कि उन लोगों का मतलब हाइप बढ़ाने के लिए ये जो फ्लैश सेल है ना, मतलब ऐसा एक जो है वीक में 2-3 बार करवा देते हैं, उसके बाद मोबाइल नहीं देते हैं, 10-15 मोबाइल होता है, उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पर दिखा देता है और आउट ऑफ स्टॉक जल्दी जल्दी हो जाता है। इस तरीके से रेडमी वालों हम लोगों को चुनौतियाँ बनाए, क्योंकि हम हमारा टाइम दे रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं इतना देर, ओपन सेल भी नहीं हो रहा है और इस फ्लैश सेल की लोचे में हम फंस रहे हैं। तो मैं आपको शासन दे देता हूँ कि आप भी अगर इस मतलब लोचे में फंस चुके हैं और आप अगर रेडमी का नोट 7 बाय करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप उस मोबाइल को बाय मत कीजिए, क्योंकि जितना लोग उस मोबाइल को छोड़ेंगे ना, रेडमी का गाड़ में मतलब उंगली होगा ना, तो वो मतलब समझ जाएंगे कि अब तो भाई स्टॉक को ज़्यादा करना होगा और आप तो भाई ओपन सेल करना होगा। क्योंकि देखो, अगर रेडमी का मोबाइल अब कर मतलब रियलमी आ चुका है मार्केट पर, आप रियलमी के मोबाइल अगर खरीदोगे तो रेडमी का खुजली होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो है रियलमी का मोबाइल मतलब रेडमी का मोबाइल आप जो है बॉयकट कर दीजिए और भाई रियलमी का मोबाइल ले लीजिए। अगर हमें मोबाइल नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या?
सो यार आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ गए होंगे, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।